नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। आम आदमी पार्टी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज दो बड़ी खुशखबरी सामने आई। पहले कथित शराब घोटाले मामले में 23 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से ही अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को भी जमानत मिल गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। विभव कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय में कई दलीलें दी। उनकी तरफ से सेक्शन 308 को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। अभिषेक मनु सिंघवी की एएसजी के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। दिल्ली पुलिस ने हालांकि विभव कुमार की जमानत का विरोध किया, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विभव कुमार को जमानत दे दी है शर्तों के साथ। तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय की रही विभव कुमार को जमानत देते वक्त, और क्या शर्तें, क्या कंडीशंस जो हैं वो विभव कुमार पर लगाई गई हैं, वो आपको बताते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप किसी व्यक्ति को 100 दिन से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते जब उसकी चोटें सामान्य हो। मेडिकल रिपोर्ट देखें, आपको जमानत का विरोध ना करने और दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। साथ ही आपको ये बता दें कि सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस चरण में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले और गवाहों की जांच की जानी है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि वो गवाहों को प्रभावित ना करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि परीक्षण के समापन तक हम संतुष्ट हैं कि गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित करने से रोकने के लिए शर्तों के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस न्यायालय के लाभार्थी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने के बराबर होगा और इस तरह से आवश्यक शर्तें अपरिहार्य होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 दिन हो चुके हैं विभव कुमार को जेल में बंद, और अब आप उनकी जमानत का जो विरोध कर रहे हैं उसमें आपको संतुलन बनाना होगा। इसके साथ ही कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। क्या कंडीशंस हैं वो भी आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े किसी भी राजनीतिक कार्यालय में बहाल नहीं किया जाएगा। जब तक सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती तब तक वो मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश नहीं करेंगे। अभियोजन पक्ष को पहले महत्वपूर्ण और कमजोर निजी गवाहों की जांच करनी होगी। ट्रायल कोर्ट को कमजोर गवाहों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास करना होगा। जिस राजनीतिक दल के लिए उन्होंने काम किया है वो तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले का निपटारा नहीं कर दिया जाता है। जस्टिस भुइया ने सुनवाई के अंतिम समय में एएसजी राजू से कहा कि वो आरोपी विचाराधीन कैदियों को अपराधी ना कहें। तो विभव कुमार को जमानत देते वक्त क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, वो हमने आपको बताई हैं। साथ ही आपको सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में क्या कहा है वो भी बताया। अब आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी बता देते हैं, क्या कुछ दलीलें दी गई हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, और किस तरीके से एएसजी एसवी राजू ने विभव कुमार की बेल का विरोध किया वो बताते हैं। तो सबसे पहले एएसजी ने कहा कि महिला के खिलाफ अपराध हुआ है, इस पर्टिकुलर मामले में उन्हें हाई कोर्ट ने भी सुना है। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आपको सुनवाई का अधिकार देंगे। फिर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव कुमार की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि सेक्शन 308 के कई और मामले सामने आए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी इन्हें सामने लाएं। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मिस्टर सिंघवी, समवन वुड हैव टू मैच योर साइज। फिर जस्टिस भुइया ने कहा कि याचिकाकर्ता 100 दिनों से हिरासत में है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, चोटें साधारण हैं, जमानत का मामला है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस भुइया की। तो इस तरह से दलीलों का दौर चला सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव कुमार की ओर से पैरवी की, उधर दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था विभव कुमार की जमानत का, एएसजी एसवी राजू ने विरोध किया था। जिसके बाद इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए विभव कुमार को शर्तों के साथ जमानत दी।
दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।